ओ माय गॉड, टू देखी आपने? जी सर, अभी थोड़ी देर पहले देखी यार, बहुत ही शानदार यार, एक नंबर, बहुत ही बेहतरीन फिल्म देखी है मैंने अभी, अक्षय कुमार की रिसेंट फिल्मों को लेकर। अभी अक्षय कुमार की सबसे बेस्ट फिल्म है, एक नंबर। ऐसी फिल्में आती रहें तो हमारे बॉलीवुड में एक खूबसूरती सी बनी रहेगी, क्योंकि जब ऐसी फिल्में आती हैं तो हमें लगता है कि हमारा बॉलीवुड भाई रिटर्न आ रहा है। क्योंकि अभी देखिए, जिस हिसाब से बॉलीवुड में फिल्में आई हैं बैक टू बैक, तो वो बहुत ज़्यादा वाहियात थी, लेकिन ये फिल्म जिस हिसाब से हमारे सनातन धर्म की खूबी बता रही है, तो मेरे ऐसा रिक्वेस्ट है बॉलीवुड वालों से कि ऐसे ही और बैक टू बैक फिल्में दो। मूवी में क्या खास आपको लगा सर? खास में मेन इस फिल्म का सर कॉन्सेप्ट लगा मेरे को, क्योंकि देखिए जिस हिसाब से लोग मतलब सोच रहे थे कि कहीं ये फिल्म हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचा दे, जैसे कि OMG ने पहुंचाई थी, और कोई ऐसा सीन तो नहीं है फिल्म के अंदर जो हमारी धार्मिक चीज़ों को लेकर हमें बुरा फील कराए, तो ऐसा कुछ नहीं। इसमें हर एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ों को बारीकी से ध्यान में रख के बनाया गया है, फिल्म को डायरेक्ट किया गया है, और इस फिल्म में म्यूज़िक बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक लग रहा है। दूसरी बात तो कि इसमें पंकज त्रिपाठी जो जिस हिसाब से अपने बाप के रोल में दिख रहे हैं, अपने बेटे के प्यार के लिए लड़ रहे हैं, यामी गौतम से बहस कर रहे हैं, जिनको कि मतलब वकील है नहीं, अपना केस खुद लड़ रहे हैं, जिनको ये तरीका तक पता नहीं कि जस्ट से कैसे बात करनी है, किससे कैसे क्या कैसे बहस करनी, कुछ नो आइडिया है, पर वो अपनी लड़ाई लड़ रहा है। ये चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा शानदार लगी यार। तो मेरे हिसाब से फिल्म कमाएगी, और लग रहा है कि ताबड़तोड़ कमाएगी, और ऐसी फिल्में और आनी चाहिए जो कि हमारी मतलब बॉलीवुड की खूबसूरती बढ़ाती है और हमारी धार्मिक चीज़ों को लेकर एक लेवल पे उठाती है, तो ऐसी फिल्में आना चाहिए। मूवी को सबका सपोर्ट मिल रहा है सर? बहुत बहुत पब्लिक भाई, गूज बम्स टोटली, जितने भी शोज चल रहे हैं टोटल हाउसफुल चल रहे हैं। मतलब जैसे लोग कह रहे थे कि अक्षय कुमार का करियर खत्म, अक्षय कुमार ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं भाई, अक्षय कुमार ने रियल कमबैक इस फिल्म से कर दिया है, बहुत शानदार है मेरे साथ। तो अभी ये रिसेंट मतलब जितने भी फिल्में फ्लॉप हुई हैं, तो अक्षय कुमार के करियर का ये एक हिट पार्ट बनने वाला है OMG 2। इस मूवी कितने स्टार देंगे? मैं दूंगा सर इसको 5/5 स्टार पूरे। ओके सर, थैंक यू।